एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एससी एसटी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एससी एसटी एकता जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। दलित समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की रखी गई है मांग। आपको बता दें कि जोड़कियां ग्रामीणों के साथ सर्व समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर दलित समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। दलित समाज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हुए कार्रवाई करने की मांग को लेकर शुक्रवार को दलित समाज के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधि मंडल में शामिल काशीराम मेघवाल व एडवोकेट कुलदीप सिंह औलख ने बताया कि दो दिन पूर्व जसराज मेघवाल के लड़के राजू मेघवाल की शादी थी। उस शादी में हरमन सिंह पुत्र सरजीत सिंह ने अपनी ब्रेजाकार हरमन सिंह के मित्र दल सिंह के कहने पर डोली लेने भेजी थी। इस बात का पता चलने पर गांव के गगन मैया पुत्र प्रेमचंद मैया ने कार मालिक हरमन सिंह को फोन करते हुए कहा कि हरमन, तूने कार अपनी डेडों चूड़ों चोरों की बारात में क्यों भेजी है, मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती है। प्रकार दलित समाज के ऊपर टिप्पणियां की गई हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ज्ञापन देने आए हैं, इसमें अनुसूचित जाति के लोगों पर टिप्पणी की गई है और इस संबंध में कल गगन मैया जो जोड़कियाँ का रहने वाला है और पूर्व सरपंच का पुत्र है, उसने अपना मोबाइल से अपने मित्र हरमन सिंह जो जिसकी गाड़ी है या कार है, वो कार उस कार से अनुसूचित जाति के किसी भाई जसराम मेघवाल के लड़के राजू की शादी थी तो उसमें डोली कार ले गया था। तो फिर गगन मैया ने हरमन सिंह को फ़ोन किया कि आप इन डेडो चूड़ों के इस तरीके की बातें करके कि आप गाड़ी क्यों ले गए, मेरे को अच्छा नहीं लगता। और इस तरीके से जो अनुसूचित जाति के लोगों को अपमानित किया है और उस चीज़ को बार बार मोबाइल पर वायरल हुई है और कई ग्रुपों में वायरल हुई है, इस संबंध में हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया है। और आज देश की आज़ादी के 70 साल के बाद भी अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम लागू होने के बाद भी ये लोग इन बातों से बाज नहीं आ रहे। सिर्फ ये इसलिए नहीं आ रहे कि इनके खिलाफ कड़ी और ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही। हम इस सभी अनुसूचित जाति समाज के लोग और सर्व समाज के लोग आज इस बात के लिए आए हैं कि हमें आज भी अधिनियम बनने के पश्चात भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। आज हमने एसपी साहब को प्रार्थना पत्र दिया है कि जल्दी उनके उस मुलजिम गगन भैया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो आगे क्या रहेगा आपका? अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम आंदोलन करेंगे इस संबंध में। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने के बाद जोड़कियां गांव के ग्रामीणों के द्वारा तथा एडवोकेट के द्वारा ये कहा गया है कि अगर हमारे ज्ञापन पर पुलिस विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता है तो हम आगे आने वाले समय में इस प्रकरण पर आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कितनी जल्दी इस प्रकरण में जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करती है। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।